पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी खेल में आखिरकार इमरान खान ने बाजी मार ली। किसी तरह से इमरान खान ने सियासत के खेल में शतक लगा मैच जीत लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लोग जहां इमरान खान के जाने का इंतजार कर रहे थे, वहीं इमरान ने बड़ा खेल कर दिया। नेशनल असेंबली के 342 सीटों वाले निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने से पहले ही राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश कर दी। शायद यही वो सरप्राइज था जिसका जिक्र इमरान खान बार बार कर रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की। इसके बाद राष्ट्रपति ने इस सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी। यानी पाकिस्तान में अगले 3 महीनों में चुनाव होंगे। बता दें, इमरान खान ने अपनी कैबिनेट को भी बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में इमरान खान ने कहा कि यह देश की जनता तय करे कि कौन सही है और कौन गलत। उन्होंने सांसदों की खरीद फरोख्त का भी जिक्र किया। इमरान खान ने अपने स्पीच में कहा कि मैं स्पीकर के फैसले पर हर पाकिस्तानी को बधाई देता हूं। अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ एक विदेशी साजिश थी। पाकिस्तान को तय करना होगा कि उनका शासन कौन करेगा। एक विदेशी ताकत को ये तय करने का कोई हक नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने चाहिए। मैं पाकिस्तान के लोगों से चुनाव की तैयारी करने का आह्वान करता हूँ। वहीं पाकिस्तान में बिगड़े सियासी हालात पर सेना का पहला बयान आया है। सेना ने कहा कि उसका राजनीतिक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। आज जो हुआ है वो राजनीतिक प्रक्रिया है। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नेशनल असेंबली भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद पाकिस्तान में सियासी स्थिति बेहद टाइट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजों की बैठक बुलाई है। इधर संसद में अजीबोगरीब हालात बन गए हैं। नेशनल असेंबली पर विपक्ष ने कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि विपक्ष ने सदन में अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा आयाज सदीक को स्पीकर बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज़।